तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं तत्व कैफे और अब हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और अब हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे खाया जाए। और ये हेलमेट जो हमने स्कूटी लिया है, ये देखिए पीला रंग का हेलमेट दिया उसने। और ये बहुत ही अच्छा कैफे है यहाँ पर और सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर किया था चीज़ ऑमलेट और हमस एंड पीता, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, कि मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैं बनाऊं। और ये मैंने अपने लिए स्पेशल ड्रिंक है ये ऋषिकेश में, जिसका नाम है लेमना, बहुत ही अच्छा, ये मिंट का ड्रिंक होता है और ये ऋषिकेश में ही आपको मोस्टली ऋषिकेश में ही मिलेगा ये आपको। तो ठीक है गाइस, अभी हम आपको डे टू की जर्नी दिखाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं, हमने स्कूटी भी हायर करी है तो अब हम स्कूटी में पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं। तो अब आपको रास्ते में दिखाते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, मिलते हैं आपसे आगे। अब हमारा प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है और वहाँ पे हमसे ई पास मांगा जा रहा था, तो हम ई पास हमारा बनाने का मन नहीं करा तो हमने वहीं से ही स्कूटी को मोड़ के अब हम नीम बीच आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन है, आप देख सकते होंगे। ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए राम झूला है। और उत्तराखंड के जो लोकल बंदे हैं उनसे भी हमने बात करी तो दे वर आस्किंग फॉर 1,000 रुपीज़, और उन्होंने ये भी बताया कि हम अपनी लोकल गाड़ी भेज के आप लोगों को वाटरफॉल या आपको कहीं पे भी आगे जाना है उस जगह से, तो वो अपनी लोकल गाड़ी भेज के आप ट्रैवल कर सकते हो मतलब उनके साथ। तो ठीक है, आप ये देखिए लोकेशन, देखिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी सारे लोग, बच्चे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए। चलिए गाइस, तो फिर हम आपको दिखाते हैं आगे की वीडियो। तो ये है हमारा गोवा बीच, ये नीम बीच नहीं है, यहाँ पे एक नीम बीच भी है, ये है गोवा बीच। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गोवा है, ये है ऋषिकेश ही, बट हम इसे बोल रहे गोवा वाले बीच पे बेबी आके मीच के ठंडा ठंडा पानी पिए दोनों फोटो खींच के। तो इतना ठंडा पानी है, धूप हो रही है चिलचिलाती, लेकिन भाई शरीर पे ऐसा लग रहा है हाय किसी ने बर्फ़ डाल दी। पीछे देखो राफ्ट कर रहे हैं, मन कर रहा है हमारा करने का, पर करेंगे नहीं क्योंकि शादी के बाद थोड़ा सा 1% मेरे को रिस्क रहता है, नहीं करनी मैंने। बाकी यहाँ पे देखिए यही है, योगा भी कर रहे हैं, कोई इनके साथ करना चाहता है तो कर सकता है, बट हम करेंगे नहीं क्योंकि अब उतना स्टैमिना नहीं है, पहले थोड़ा पतला होना पड़ेगा। शादी के बाद मैंने काफ़ी गेन किया खा खा के, जैसा कि मेरे पति कहता है कि तेरे मुंह के टेस्ट बड्स खुल चुके हैं, तो अब उसके बंद हो गए हैं और मेरे खुल गए हैं, उल्टा हो गया है। तो मैं बहुत खाती हूँ और अब तो शादी हो गई, किसने करनी है शादी, तो देखो हो गई, अब खा लो जी लो पी लो और यही ज़िंदगी है यार। बाकी आप लोगों को पता है, आप देख यार सब आते हैं ऋषिकेश यार, आप सबको पता है, हम तो ब्लॉग हम ना मज़े दिलाना चाहते हैं, ये नहीं दिखा रहे कि हम ऋषिकेश आए हैं यहाँ पे ऐसे है, हम कोई वो नहीं है, हम बता रहे हैं भाई ऋषिकेश अभी आए हो ना लॉकडाउन में, अगर आना चाहते हो मन है तो आ जाए। अब हम जा रहे हैं लंच करने, मैं आपको दिखाऊंगा
कि हम कहाँ पर लंच करने वाले हैं। जहाँ पे हमने कल लंच किया था हम आज भी वहीं पर ही जा रहे हैं लंच करने। और अब हम खाना बहुत अच्छा है, स्विस कॉटेज बाय सैलवेस है उसका नाम। खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा। बाकी आपको हम वहाँ पहुँच के मिलते हैं। तो गाइज अब हम सैलवेस पहुँच चुके हैं और अब हमने ऑर्डर किया है अपना लंच। तो लंच आने दो, मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने क्या ऑर्डर किया फिर, ठीक है। गाइस हमने ऑर्डर किया था मलाई कोफ्ता और दाल फ्राई और जीरा राइस। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। तो ये देखिए, और रोटी का वेट हो रहा है बस अब, और बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला और काफी कम लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। देखिए बंदर भी हैं, ये देखिए जुएं निकाल रहे हैं एक दूसरे की। और ये भी डर लगता है कि फोन खींच के ना भाग जाए ये लोग। चलिए ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और आज का वीलॉग हम यहीं एंड करेंगे अभी। तो मिलते हैं आपको अगले वीलॉग में। और प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ कपूरों का तड़का। आई होप कि हम लोग थोड़ा बहुत तो आप लोगों को एंटरटेन कर ही रहे होंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले दिन। थैंक यू।